हेलो गाइस दिस इज प्रग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ ये सिंपल सा दीपिका पादुकोण का लुक जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्किन को प्रैप कर रही हूँ क्योंकि अगर आप मेकअप कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी स्किन को प्रैप करना बहुत ज़रूरी होता है तो मैं यहाँ पर मॉइस्चुराइज़र यूज़ कर रही हूँ डी का उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर प्राइमर इनसाइड का वेरी गुड प्राइमर मैंने बहुत थोड़ा सा प्राइमर लिया है और मेनली वहाँ पर यूज़ किया है जहाँ पर हमको पोर्स होते हैं प्राइमर को मैंने अच्छे से लगा लिया है प्राइमर लगाने के बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन और यह है नायका का फाउंडेशन और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्रश है कंसीलर ब्रश ये फाउंडेशन ब्रश नहीं है क्योंकि मेरा जो फाउंडेशन ब्रश है वो मुझे वॉश करना था और मैं वॉश करना भूल गई थी सो दैट्स वाई आई एम यूज़िंग दिस ब्रश ब्रश के बाद मैं थोड़ा सा अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी क्योंकि कई बार मैं कोई ब्रश और कोई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ करती हूँ और फिंगर्स के साथ ही अपना जो फ़ाउंडेशन या कंसीलर होता है वो ब्लेंड कर लेती हूँ फ़ाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट पहले मैंने सोचा था कि मैं कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी इसलिए पहले मैंने आईब्रो सेट करी अपनी सबसे पहले मैंने वो जो वैक्स है वो यूज़ किया यहाँ पर उसके बाद जो ब्राउन वाला पाउडर है उससे मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल किया वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी करके दिखा दिया उसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पर ब्लश सॉरी ब्लश नहीं <laughs> लिप बाम ताकि मेरे जो लिप्स हैं वो थोड़े से मॉइस्चराइज हो जाएं उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कंसीलर और ये इनसाइड का कंसीलर है मैं सॉरी आपको दिखाना भूल गई यहाँ पर और वो जो सेम ब्रश था आई एम यूजिंग सेम ब्रश जो कि मैंने पहले भी यूज़ किया था फाउंडेशन के टाइम पर कंसीलर को भी पहले मैं ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी उसके बाद थोड़ा सा अपनी फिंगर से भी इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि नेचुरल सा लुक आए आई लव टू यूज़ माई फिंगर्स फॉर ब्लेंडिंग माई फाउंडेशन एंड कंसीलर आफ्टर यूजिंग कंसीलर आई एम यूज़िंग फेस कॉम्पैक्ट ये है फेसेस कैनेडा का और बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ मैंने एक्सेस को पूरा निकाल दिया है यहाँ पर और जहाँ पर मैंने कंसीलर यूज़ किया था वहाँ पर मैं ये यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट को यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोरिंग पैलेट जो कि है वेट एंड वाइल्ड का आई डोंट थिंक कि दीपिका ने इस वाले लुक में बहुत ज्यादा कोई कॉन्ट्रोरिंग किया है बट मैं यहां पर कर रही हूँ क्योंकि आई हैव चबी फेस सो दैट्स वाई आई हैव टू यूज दिस आफ्टर दैट आई एम यूजिंग ब्लश दिस इज फ्रॉम मिस क्लेयर आफ्टर यूजिंग ब्लश आई एम यूजिंग एली कलर्स का ब्लश पैलेट और इसमें से मैं बहुत ही बहुत ही कम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ उसके बाद में मैंने यूज़ किया ये मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट यह है इसका शेड रेड अलर्ट पहले मैंने जो हल्का वाला शेड था वो यूज़ किया इट्स वेरी लाइट शेड But I don't get the right color, so that's why I'm using the same palette but another color. Yes, this is the color. आफ्टर यूजिंग आई शेडो आई एम यूजिंग प्लम का ब्राउन काजल बहुत ही हल्का मैं यूज़ करूँगी इसको अपनी आ, अपर लेज लाइन पर और इसको फिर ब्लेंड कर दूँगी इसको इस्मज करना है मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना था इस ब्रश के साथ मैं इसको स्मज कर दूंगी फिंगर के साथ भी कर सकते हैं हम ये स्मज और मैं ब्रश के बाद आपको फिंगर से भी दिखा दूंगी मैं इसे सेम प्लेस पर स्मज कर रही हूँ मैं इसको ड्रैग करके और आइज के बाहर तक नहीं लेकर जा रही हूँ कोई विंग वगैरह नहीं बना रही हूँ मैं उसी जगह पर सेम प्लेस पर इसको स्मज कर रही हूँ मैंने वापस से थोड़ा सा काजल अप्लाई किया क्योंकि आई वांट मोर कलर उसके बाद वापस से मैंने इसको स्मच किया अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर अपनी फिंगर फॉर स्मजिंग अब मैं यहाँ पर अपनी जो दूसरी वाली आँख है उस पर भी सेम प्रोसेस करूँगी पहले मैं ब्राउन काजल यूज़ कर रही हूँ उसके बाद फिर इस कर दूँगी उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मस्कारा ये है मार्स का मस्कारा और मैंने फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पर यूज़ किया आई लाइक दिस मस्कारा सो मच बहुत कम मैंने यूज़ किया इसका जो एक्सेस था उसको मैंने निकाल दिया था क्योंकि बहुत हैवी लैशेज़ इस वाले लुक में नहीं थी दीपिका की सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग लेस मस्कारा मैंने सिर्फ वन कोट ही किया और उसमें भी काफी अच्छे से मेरी जो लैशेज हैं वो कोट हो गई दिस मस्कारा इज सो गुड एंड वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो नाउ आई एम यूजिंग स्पूली जिससे कि मैंने अपनी आईब्रोज को भी कोम किया था यहाँ पर मैं इनको सेपरेट करने के लिए मैंने स्पूली का यूज किया है उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ लिपस्टिक ये है प्लम का लिपस्टिक इट्स वेरी कम्फर्टेबल ऑन लिप्स नाउ आई एम डूइंग माय हेयर हेयर करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि जो इस वाले लुक में दीपिका का हेयर कट है वो वाला हेयर कट मैंने नहीं करवाया हुआ है मेरे थोड़े से लॉन्ग हेयर हैं एंड आई डोंट वांट टू चॉप देम ओनली फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो नाउ आई एम अप्लाइंग बिंदी उसके बाद मैंने मेरे बालों को थोड़ा सा और सेट किया दिस इज़ द फाइनल लुक आपको कैसा लगा ये लुक मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है प्लीज़ उसको भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो देख पाएँ